खबर चित्तौड़गढ़ के निमाहेड़ा से है, जहां जलिया चौकी के पास एक बस और ट्रक की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 23 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक महिला की मौके पर ही मृत्यु हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र से भीलवाड़ा जा रही एक बस को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में इतना भयंकर था कि बस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की सहायता से सभी घायलों को उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया और जहां से 13 घायलों को गंभीर अवस्था में जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। फिलहाल सभी घायलों का इलाज जारी है। निम्बाहेड़ा के जलिया चौकी के पास यह हादसा हुआ था और बस और ट्रक की जबरदस्त भिड़ंत में कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मौके पर ही एक यात्री की मौत हो गई। 13 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। ये पूरी घटना निम्बाहेड़ा के जलिया चौकी के पास हुई थी। एक बस और ट्रक की जबरदस्त भिड़ंत में 23 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, वहीं एक यात्री की मौके पर ही मृत्यु हो गई। एक बस और ट्रक की जबरदस्त भिड़ंत में एक यात्री की मौत हो गई तो वहीं 23 से भी अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। अराउंड 6 बजे निम्बाड़ा नीमच रोड पर एक ट्रैवल बस और ट्रक के बीच में भिड़ंत हुई, जिसमें लगभग 24 पेशेंट के अराउंड हमारे हॉस्पिटल में लेकर आए थे। उसमें से लगभग 7-8 पेशेंट सीरियस थे, जो हेड इंजरी और चेस्ट इंजरी थी वो सीरियस थे। उनको अपने यहाँ से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर कर दिए। बाकी पेशेंट बचे हैं उनको लगभग हमारे हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है।